नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मेकओवर टाइम। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ DIY ग्रीन टी टोनर। सो इस तरह से एक स्प्रे बॉटल में मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया है। सो ये सुटेबल है हर एज ग्रुप के लिए, चाहे आप टीनेजर हो, चाहे 20-30 प्लस हो या अबव हो। सो हर एज ग्रुप के लिए ये सुटेबल है। एंड अगर आपको चाहिए मार्केट का नहीं होममेड टोनर, सो आप इसे ट्राई दे सकते हैं। एंड कुछ और भी DIY टोनर्स मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपसे मिस हो गए तो उन सारे वीडियोज़ की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। इस वीडियो के बाद उसे चेक जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो ये सुटेबल है हर स्किन टाइप के लिए, चाहे आपकी नॉर्मल हो, ऑयली कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव ड्राई स्किन हो। सो कुछ मैंने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हुए हैं इसमें, पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किन टाइप के लिए मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। सो चलिए देख लेते हैं किस तरह से मैंने इसे बनाया है घर पे। सो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन टी और सौंफ। 1/2 टीस्पून मैंने ग्रीन टी ली है एंड सेम क्वांटिटी में ली है मैंने सौंफ। ये ग्रीन टी मैं लेके आई थी मेरे दार्जिलिंग ट्रिप से, टी गार्डन से मैंने इसे लिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टी बैग भी यूज कर सकते हैं या फ्रेश टी लीव्स भी आप यूज कर सकते हैं। सो पानी मैंने बॉईल कर लिया है यहाँ पे और दोनों इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल रही हूँ। एंड 5-10 मिनट्स तक मैं 8-10 मिनट्स तक इस अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे बॉईल करूंगी, ताकि इनका जो अर्क है, एसेंस है, वो पानी में आ जाए। ओके, सो इसे छान लूंगी अब मैं। अगर आपकी नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन है तो आपका ग्रीन टी टोनर रेडी है। आप इसे स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर करके यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यहाँ पे 1 कप ग्रीन टी टोनर के अकॉर्डिंग मैंने लिया है 3 टीस्पून लेमन जूस। ये एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। अगर आपकी स्किन है ड्राई तो मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के अराउंड हनी। आप हनी के प्लेस पे ग्लिसरीन भी ले सकते हैं, ये काफी अच्छी तरह से स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। आपको बिल्कुल भी स्किन पर ड्राइनेस फील नहीं होगी। सो अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूंगी। एक एम्प्टी स्प्रे बॉटल मैंने यहाँ पर लिया है और इस टोनर को ट्रांसफर कर लूंगी। और हमारा ग्रीन टी टोनर रेडी है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट नॉट, बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये। एंड ऑयल सेक्रेशन को, ऑयल प्रोडक्शन को ये रिड्यूस करता है, क्योंकि इनकी वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने, पिंपल का प्रॉब्लम हो जाता है। सो ये काफी हद तक रिड्यूस करता है। ग्रीन टी में विटामिन B2, विटामिन E होता है, जो कि स्किन हेल्थ मेंटेनेंस के लिए काफी एसेंशियल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें दैट काउंटर्स द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, सन डैमेज एंड केमिकल्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किन ऑयलीनेस को रिड्यूस करता है। तो बेस्ट सुटेबल है जिनकी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन है, एंड ये सुटेबल है हर स्किन टाइप के लिए। ओके, जो नेक्स्ट मैंने इंग्रेडिएंट यूज किया है, एक्चुअली मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर देती हूँ, ताकि मैं कोई एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट यूज ना करूँ, इसके साथ कुछ और भी ज्यादा उसमें मिक्स कर दूँ, ताकि बेनिफिशियल हो जाए वो। सो मैंने यूज किया इसमें सौंफ, फेनल सीड्स, हर किसी घर में अवेलेबल होता है, एंड ये भी काफी बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल होता है, तो एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को ये क्योर करता है। अगर आपको पफी आईज का इशू है तो आप ये टोनर स्प्रे करते हैं अपने पूरे फेस पर, तो डेफिनेटली अंडर आई एरिया पे भी जाता ही है स्प्रे। सो पफी आईज को भी काफी हद तक क्योर करता है। सौंफ में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, सो प्री मैच्योर एजिंग को, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करता है। माइनर पोर्स का इशू है तो आप जनरसली इसे स्प्रे कर लीजिए अपने फेस पर। एंड अगर आपको लार्ज पोर्स का इशू है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉटन बॉल की हेल्प से डिप कर लीजिए उसे, देन इस टोनर को आप अच्छी तरह से डैप करते हुए अपनी स्किन पर अप्लाई करें, ताकि टोनर आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट हो जाए, तो जो लार्ज पोर्स का इशू है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूँ इन फ्यूचर उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहे, मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप चाहे तो मुझे मेरे सोशल मीडियाज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।